गोस्वामी, बहुत बहुत स्वागत है आपका SNI में। आज का जो आइकॉनिक दीवा के नाम से जो सालू जैन द्वारा जो यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है, बहुत सारी दिल्ली NCR से गुड़गांव फरीदाबाद पानीपत जैसे कि बताया और जैसे देखा देखने को मिला, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आई हैं, तो एक दूसरे को आपस में मिली और जो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए मीटिंग हुई, क्या कहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं शालू को थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज़ उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है हम सबको एंड अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए एंड कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमें, एंड इट वॉज कंडक्टेड वेरी वेल, सो आई वुड लाइक टू थैंक हर लॉट। जैसे कि मैम सालू जी कर रही हैं अपने आज की जो इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास खुद के लिए टाइम लेगा रहता है, उसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सालू जैन जो अपने लिए के साथ साथ किसी दूसरों महिलाओं की सभी महिलाओं के लिए जो काम कर रही हैं, तो सालू जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? शी इज़ अ वंडरफुल वुमेन एंड मैं उनसे मिली थी सबसे पहले जब उन्होंने इवेंट स्टार्ट नहीं किया था अपना, एंड तब मैं उनसे मिली थी, लेकिन वो पॉजिटिविटी जो वो कैरी करती हैं वो हर वक्त देखा जा सकता है उनके साथ, एंड उसके बाद उन्होंने यही देखा कि लोग हर जगह अपने लिए कर रहे हैं कुछ, अपने सपनों के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन दूसरों को आगे लेके जाने वाला कोई नहीं है, सो उन्होंने इसके लिए काम किया, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। हम सबको वो आगे लेके चल रही हैं अपने साथ और शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन ऑल टुगेदर। जैसा कि मैम आपने बताया, एक सक्सेस लोगों के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या जो महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है, क्या करना चाहिए? तो मैंने शालू से यही सीखा है और आइकॉनिक अवार्ड से मैंने यही सीखा है कि सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने सपनों के पीछे ही भागे चले जा रहे हैं, हमें दूसरों को साथ लेकर चलना है, दूसरों की हेल्प करनी है, तभी हम ग्रो कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल एंड तभी हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। सो ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट कीपिंग एवरीबॉडी विद अस।